دوٚپُن جِناب یُس یہِ ییٚتٮ۪تھ یہِ حِساب کِتاب چھُ یہِ ہَسا یہِ سی آر پی ایفُک تہٕ یہِ چھُ واریاہ کینٛہہ اَصٕل بِچارٮ۪ن غریٖبَن واتہِ مُفت دَوا, کٲنٛسہِ چھُ دود میٛادَس زَنٛگَن نَرٮ۪ن, یِمَن یی مُفت دَوا دِنہٕ تہٕ یہِ گوٚو واریاہ کینٛہہ اَصٕل. آ برٛونٛٹھ کُن تہِ گژھِ آسُن, کیٛازِ غریٖبَن واتہِ فٲیدٕ. اہن حظ एक सौ 178 बटालियन CRPF जैनापुरा के द्वारा आज इमाम साहब में फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जहां के लेडीज़ जेंट्स बच्चे बुज़ुर्गों को फ्री में डॉक्टरों के द्वारा इलाज किया जा रहा है और साथ में मुफ्त में दवाई भी बांटी जा रही है. ये हमारा लगातार तीसरा कैंप है. पहले इससे पहले वाची और जैनापुरा में भी फ्री में कैंप लगाया था, जिसमें 1000 से ज़्यादा परिवारों को इसका फ़ायदा हुआ था. यहाँ पर भी अभी तक जो डाटा हमारे पास उपलब्ध है, 400 से ज़्यादा फैमिलियाँ यहाँ आ चुकी हैं, मुफ्त में उनका इलाज किया जा रहा है, मुफ्त में उनको मेडिसिन दी जा रही है. इस कैंप का मुख्य उद्देश्य यहाँ की जनता, जहाँ पर हम लोग डिप्लॉयड हैं, तैनात हैं CRPF, उनके बीच में जो दूरी है उसको कम करना है, एक अच्छे रिलेशंस कायम करने हैं, ताकि हम यहाँ पर उनको अच्छे ढंग से सर्व कर सकें और इस क्षेत्र के अंदर शांति का माहौल जो है कायम कर सकें. जी सर, जैसे कि आप जानते हैं कि इस क्षेत्र को एक हॉट जोन माना जाता है, कहीं ना कहीं कुछ साल पहले तक ऐसे कैंप करना यहाँ पे कुछ नामुमकिन सा हो रहा था, तो आपको कहीं पे लग रहा है कि अभी वो हॉट जोन वो कम हो गया है कुछ, तो जिसके वजह से आप ये कर पा रहे हैं, आवाम के बीच में ये जो दूरी है वो कम करना चाह रहे हैं? बिल्कुल, इस तरह के कैंप जो है पिछले साल भी हम लोगों ने ऐसे कैंप लगाए थे पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और लोगों के कहने के ऊपर भी यहाँ के लोगों की डिमांड थी भी ज़्यादा से ज़्यादा कैंप होने चाहिए, और लोग हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं. जितने भी कैंप लगाते हैं लोग बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते हैं, और लोगों की मदद से ही इन कैंपों का आयोजन किया जा रहा है. और मुझे लग रहा है ये जो पहले हार्ड एरिया होने की वजह से जो फैसला ज़्यादा था जो लोगों के बीच में और CRP के बीच में, उसमें बहुत सारी कमी आई है. लोग समझने लगे हैं CRPF को, पुलिस को, RR को, और हर काम में हमारा साथ भी दे रहे हैं और एरिया के अंदर शांति का माहौल बनाने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं. यूथ के लिए आखिर में क्या मैसेज रहेगी जो ड्रग्स के? यहाँ पर यूथ का मैं यही, हमारी यही अपील है कि भी यूथ वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे आए, फोर्स को समझे, अपना साथ दें, ज़्यादा पढ़े लिखे, अपनी पढ़ाई करके जो हमारे कैंप्स लगते हैं उसमें आके अपनी भर्ती भी करें और अच्छे अफसर बने, और इस एरिया में रहकर और जहाँ भी वो जाते हैं वहाँ जाके देश की सेवा करें. सर, जैसे आपने बताया कि ये एक पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम है वो दूरियां ख़त्म करने के लिए, दूरियां कम करने के लिए, तो आगे आपका क्या रहेगा कि मेडिकल कैंप के अलावा और भी कुछ स्पोर्ट्स के रिलेटेड या ड्रग्स के रिलेटेड जो कैंप है वो आपका आप यहाँ पे आयोजित करेंगे आने वाले समय में? और हमने कैंप लगाने हैं, फ्री मेडिकल कैंप लगाएंगे, साथ साथ में हम लोग फुटबॉल, वॉलीबॉल और क्रिकेट का मैच का भी आयोजन करेंगे. स्पेशल डे जो होते हैं, जिससे ड्रग डी एडिक्शन और बाकी जो प्रोग्राम होते हैं, योगा होता है, उसमें भी हम लोग ये कैंप अपने कैंपों में इसका आयोजन कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा यूथ यहाँ के जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनको शामिल करेंगे, ताकि यहाँ का माहौल अच्छा हो सके और शांति को बहाल किया जा सके. थैंक यू सर. थैंक यू.